मेरा नाम प्रवीण कुमार पंचा है, मैं राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का प्रदेश संगठन सचिव मध्य प्रदेश। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आज मध्य प्रदेश में एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटी का क्या स्तर चल रहा है, जो कि आप देख ही रहे होंगे कि माइनॉरिटी एसटी एससी ओबीसी वालों को जो स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट लेवल के जो विद्यार्थी हैं, उनका क्या हाल हो रहा है। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आजकल देश में कई सारे सरकारी स्कूल या तो बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं। अब हमारे कास्ट के यानी कि हमारे इस संगठन से जुड़े सभी को क्या करना चाहिए, क्या अलग से स्कूल चलाना चाहिए? मेरा आपसे सवाल है कि अगर सरकार गवर्नमेंट स्कूल नहीं खोलता है तो क्या इस संगठन स्कूल चलाने का क्या अभियान बढ़ाएगा? क्योंकि सभी के पास तो सरकारी मतलब प्राइवेट स्कूल पढ़ने की उतनी इनकम तो है नहीं, तो अगर संगठन ना कर सके तो सरकार इस संगठन के माध्यम से हम सरकार को ऐसा पत्र लिखें कि हम लोग के लिए या तो अच्छी प्राइवेट जैसे एजुकेशन दे, या फिर हम लोग सरकार को बोलें कि हम लोग को सरकार मदद करे। और अगर सरकार डायरेक्ट मदद करना चाहता है तो हमारी कोई संबंध नहीं, मतलब कि कोई वो दिक्कत नहीं है, मगर अगर सरकार नहीं कर रहा है तो हम बार बार राष्ट्रपति के नाम पे पत्र लिखें कि इस है मतलब कि एस टी एस सी ओ बी सी वालों की ऐसी सुविधा दे जो कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, या फिर सरकारी स्कूल हैं उसमें अच्छी टीचर नहीं है तो टीचर भर्ती करें और स्कूल रेगुलर करें। और मेरा मानना यही है कि हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, हमारे भाई होते हैं, वो आठवीं तक तो एकदम दनादन पास कर देंगे, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, क्यों आठवीं से उधर छन्ना लगा दिया जाता है नौवीं से, नौवीं दसवीं में क्यों फेल होते हैं? हम सरकार से सवाल करते हैं नौवीं दसवीं में ही क्यों फेल होते हैं, सीधा सातवीं छठवीं में क्यों नहीं फेल होते, होना चाहिए ना। मगर सरकार एक से आठवीं तक स्कूल में बुलाएगा भोजन करने के लिए, बस आप एक से आठवीं तक आओ, खाना खाओ और पढ़े रहो, फिर हम लोग का दलाली करो। आज हर देश में जगह जगह एजुकेशन क्यों नहीं है? क्योंकि अगर सरकार, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी सरकार हो, अगर वो एजुकेशन दे देगा जगह जगह तो उनके गाड़ी के पीछे कोई भी झंडा लेके नहीं घूमेगा। क्योंकि हम लोग के एस टी एस सी ओ बी सी वाले क्या करेंगे, माइनॉरिटी वाले एजुकेशन हो जाएंगे तो खुद उनकी गाड़ी में नहीं बैठेंगे, मगर वो एजुकेशन इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि आप लोग उनके गाड़ी के पीछे भागो, झंडा लहराओ पार्टी का, इसीलिए आज एजुकेशन नहीं है। सरकार नहीं दे पा रहा है एजुकेशन, सरकार दे रहा है मगर आप लोग को लेते नहीं बनता। अगर सरकारी स्कूल बंद होंगे और साथ ही हम लोग को एजुकेशन नहीं दिया जाएगा तो हम लोग विरोध करेंगे और बार बार राष्ट्रपति के नाम पे पत्र लिखेंगे, या तो हमें एजुकेशन दो। बाबा साहब ने कहा है शिक्षा वह है जो पिएगा वो दहाड़ेगा ही, है ना, तो सबको पीना है और सभी को दहाड़ना है। बस जय हिंद, जय संविधान, सभी को मेरा नमस्कार।